हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का अध्याय विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो, मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो जिस भी शब्द से, तो वो क्या होता है? विशेषण। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यह पेड़ विशाल है, तो विशाल मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। तो पेड़ के विशेषण, पेड़ की विशेषता क्या है? पेड़ क्या हमारा संज्ञा है, तो उसकी विशेषता क्या, क्या खासियत है? कि वो बहुत बड़ा है, विशाल है, तो विशाल हमारा क्या हुआ? विशेषण। दूसरा हमारा, वह गाय सफेद है। अब गाय क्या हमारा संज्ञा, तो गाय की क्या विशेषता है? सफेद है। इसकी जगह काली भूरी भी आ सकता था, लेकिन सफेद है आया, तो मतलब संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है किसी भी तरीके का, जैसे कि वो काली है, गोरी है, सफेद है, कैसे भी है, तो वो क्या है? विशेषण। अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या होता है? कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, मतलब कुछ शब्द क्या होते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसकी भी खासियत बताते हैं, तो कौन से शब्द होते हैं? प्रविशेषण। जैसे कि यह वह अति सुंदर है। देखो सुंदर, सुंदर की भी क्या विशेषता? अति, बहुत ज्यादा सुंदर है। दूसरा हमारा, मोहन बहुत मोटा है। अब मोहन के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि वो मोटा है। मोटा अपने आप में विशेषण है, बट वो बहुत मोटा है, तो मोटा की भी क्या विशेषता बताई जा रही है? कि बहुत। हम पढ़ेंगे विशेषण के भी। तो विशेषण के, विशेषण चार प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला कौन सा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, गुण यानी उसकी खासियत, दोष यानी उसकी जो भी बुराई है, दशा उसकी क्या हालत है, भाव उसके अंदर के भाव क्या, रंग, आकार, समय, स्थान आदि का बोध कराते हो, तो वो कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण। तो किसी के भी रंग का, आकार का, उसकी शेप कैसी है, समय का, टाइम का, स्थान का, जगह का, ये जो शब्द कराते हो, तो वो कौन से विशेषण होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि यह घोड़ा कमजोर है, तो घोड़ा, घोड़े की क्या दशा है? कमजोर है, नाजुक है, तो कमजोर क्या, उसकी गुण, उसके गुण हुए, तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। यह आम मीठा है, तो आम कैसा है? मीठा है, उसका क्या गुण है, क्या खासियत है? मीठा। यह आदमी लंबा है, तो क्या विशेषता है? कि वो लंबा है, उसका आकार क्या है, शेप क्या, वो लंबा है। दूसरा जो है हमारा, वो कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप तौल आदि का बोध कराते हो, तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा या नाप तौल आदि का बोध कराते हो, तो वो कौन से शब्द होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि सीता 4 मीटर कपड़ा लाई, तो 4 मीटर नाप तौल का पता चल रहा है, तो ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार, तो कितने भेद होते हैं इसके भी? 2, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे कि बच्चे ने थोड़ा दूध पिया है, तो बच्चे ने कितना दूध पिया? थोड़ा, तो कोई मात्रा में पता तो नहीं है कौन सी फिक्स मात्रा है, तो थोड़ा, थोड़ा क्या है? अनिश्चित है, हमें नहीं पता। दीदी बाजार से कुछ लेकर आई है, तो दीदी बाजार से क्या लेकर आई है? कुछ, हमें नहीं पता कि दीदी बाजार से क्या लेकर आई है, तो ये किसमें आएगी? अनिश्चित परिमाणवाचक में, थोड़ा कुछ, ठीक है। अब ऐसा है हमारा निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा है, तो जैसे कि 3 लीटर दूध देना, तो 3 लीटर मैंने प्रॉपर एक मात्रा बताई, एक यूनिट बताई, मुझे 3 लीटर दूध चाहिए, तो 3 लीटर पता चल रहा है, निश्चित है। अब हम पढ़ेंगे हमारा विशेषण का तीसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या
का बोध कराते हैं, मतलब जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा, किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, तो वो कौन से शब्द होते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि राधा पांचवीं मंजिल पर रहती है, तो मंजिल क्या है? हमारी संख्या है, तो इसकी संख्या क्या है? पांचवी। तो ये क्या हमारा? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है, वहां तीन कबूतर दाना चुग रहे हैं, तो कबूतर क्या है? संज्ञा। और कबूतर कितने हैं? संख्या में कितने हैं? तीन है, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। और संख्यावाचक विशेषण के भी प्रकार होते हैं, कितने? दो। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? रेखा के पास तीन पुस्तकें हैं। तो देखो, रेखा के पास पुस्तकें कितनी है? तीन। तो संख्या में पता चला निश्चित है कि तीन है, तो ये कौन सा विशेषण है? निश्चित। वेदांत ने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, तो वेदांत ने कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला। तो पता चला निश्चित है पहला, तो ये कौन से विशेषण शब्द हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जैसे बाजार में बहुत दुकानें हैं, अब बाजार में हमें नहीं पता कितनी दुकान है, बहुत, तो ये क्या है? अनिश्चित है। है तो बहुत सारी दुकानें, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्टली। दूसरा है मंदिर में कई औरतें आई, तो मंदिर में कई औरतें आई, बहुत औरतें आई, वी डोंट नो कितनी औरतें आई, तो कई क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चौथा हमारा लास्ट सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द किसी संख्या के पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं, मतलब जो सर्वनाम शब्द संख्या से पहले जुड़कर उसकी ओर संकेत करते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक भी आप कह सकते हो। जैसे कि यह तोता बोलता है, तो देखो तोता क्या है? संज्ञा है। और यह क्या है? जैसे कि हम जानते हैं यह जो है वो सर्वनाम, तो तोता से पहले क्या लगा? यह है। तो यह किसकी ओर संकेत कर रहा है? तोता की तरफ, कि यह तोता बोलता है, तो यह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। चौथा है दूसरा सेंटेंस है, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक हमारी संज्ञा है, तो पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, तो यह इसमें भी क्या हो गया? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। आई होप अब ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है।